अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिस तरह कमेंट्स में आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं और मेरी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी लावा केक की, तो ये मेरे नेबर्स में सबको ही बहुत पसंद आई थी। आज उनकी फरमाइश पे मैं फिर से बनाने लगी हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर लूँ। यहाँ पर मैंने 8-10 पैकेट ओरियो बिस्किट्स के ले लिए हैं। इनको पहले थोड़ा सा हाथ से दो दो तीन तीन इसके टुकड़े कर लेने हैं, फिर इसको ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह इसका फाइन पाउडर बना लेना है। तो ये मैं सारा कुछ बनाती जा रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये इतना मज़े का लावा केक बनता है कि आप इसको शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है और किसी भी इवेंट या किसी भी पार्टी में भी इसको बना सकते हैं। पहले मैं बिस्कुटों के दो तीन हिस्से इसकी तरह कर लूँगी, फिर उसके बाद इसका पाउडर बनाऊँगी फाइन, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, मैंने बिस्किट्स का अच्छी तरह पाउडर बना लिया है। अब इसके अंदर आधा टीस्पून के करीब मैं बेकिंग पाउडर डाल दूंगी और इसके अंदर आधा कप के जितना ये नीम गर्म दूध जाएगा और इसकी एक स्मूथ सी पेस्ट बना दूंगी। और इसको मैं मिक्स करती जाऊंगी, जितनी ज़रूरत होगी उसमें डालती जाऊंगी। यहाँ पे देखें जी, इसका बैटर तैयार हो गया है, इतना ही इसको लिक्विड होना चाहिए। तो मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया, एक फाइन साइज का पेस्ट बन गया है। अब इस मोल्स के अंदर मैं इसको डालूंगी और इसको पूरा नहीं भरना, पहले इसमें आधा डाल के दरमियान में इसकी चॉकलेट जाएगी। कोई सी भी आप इसमें चॉकलेट डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर डेरी मिल्क डालने लगी हूँ और दो इसके जो ये इसके अंदर डाल दूँ। अब इसके अंदर थोड़ा सा और मैं इसी तरह ये सारा पेस्ट डाल दूँगी और ये तीनों मोल्स मैं इसी तरह बनाती जा रही हूँ। और कढ़ाही मैंने चूल्हे पे गर्म होने के लिए रखती है ताकि अच्छी तरह वो प्री हीट हो जाए, बाकी के भी मैं ऐसे फिल करती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, तीनों मोल्स हमारे बेकिंग के लिए तैयार हैं। अभी मैं इसको रखती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, कढ़ाही अच्छी तरह प्री हीट हो गई है। अब इसके अंदर रख देना बहुत एहतियात के साथ। तीनों मोल मैंने अच्छी तरह सेट कर दिए। अब इसको मैं कवर कर दूंगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह बेक कर लेना है, इस सुराख में कोई चीज़ रख देनी ताकि अच्छी तरह इसकी स्टीम बन जाए, तो फिर मैं आपको 10 से 12 मिनट के बाद दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, हमारा लावा केक अच्छी तरह तैयार हो गया, स्टिक यहाँ पर बिल्कुल क्लीन आई है। इसको मैं बाहर निकालती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, मज़ेदार सा हमारा लावा केक बनके तैयार हो गया, बहुत ही ये टेस्टी बनता है। आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो में आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।